हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट्स फ्रॉम प्रगति में। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों की स्कूल की बेल्ट को हम लोग कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. ड्रेस के साथ जो मैंने रेड कलर के स्टड इयररिंग्स पहने हुए हैं, इसको मैंने DIY करके बनाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट बेल्ट को बनाने के लिए मैं स्कूल की बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों की पुरानी स्कूल की बेल्ट है। इसकी स्टिचिंग को निकाल कर मैं इसके हुक को यहाँ से निकाल दूँगी। इसके लिए मैं एक टूल का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हम इसकी स्टिचिंग्स को आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं इस हुक को इसमें से निकाल दूँगी। बेल्ट को ये छोटा या बड़ा करने के लिए जो ये हुक लगा है, इसको मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि ये बेल्ट पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल लगे, इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको 5 तरीके की बेल्ट बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, हमारी सिलाई निकल चुकी है। इस हुक को निकालने के बाद मैं वापस से इसको इसमें होल्ड कर दूँगी और इसमें हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो ये निकाली थी हमने सिलाई, इसको हम वापस से सुई की हेल्प से, या फिर आपके पास सिलाई मशीन हो या उससे भी आप इसको सिल सकते हैं। यहाँ पर मैं सुई का यूज़ कर रही हूँ, सुई से मैं इसको सिल लूँगी। इस हुक को हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे जिससे कि ये निकले नहीं। तो देखिए, अभी हमारा ये हुक अच्छे से फिक्स हो चुका है। इस बेल्ट को मैं रेड कलर का बना रही हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर की बेल्ट चाहिए थी। आप चाहें तो इस बेल्ट में कोई और कलर भी कर सकते हैं। मैं इसमें रेड कलर का फैब्रिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप ब्लैक कलर, येलो कलर या ग्रीन कलर, जिस कलर की भी आप इसको बेल्ट को बनाना चाहें उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। मुझे रेड कलर चाहिए था तो मैं रेड कलर में इसको बना रही हूँ। रेड कलर का मैं यहाँ पर डबल कोट करूँगी और ये रेड कलर बिल्कुल भी आपके कपड़ों में नहीं लगेगा क्योंकि ये फैब्रिक कलर है। इसको मैं काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकी हूँ और चेक भी कर सकी हूँ, ये किसी भी कपड़े में नहीं लगेगा। इस बेल्ट को मैं वेस्टर्न ड्रेस के साथ स्टाइल करने के लिए बना रही हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको इस बेल्ट को दिखाऊंगी कि इसको मैंने कैसे स्टाइल किया है और किस ड्रेस के साथ स्टाइल किया है। इस वीडियो में मैं आपको एथनिक ड्रेस के साथ यूज़ होने वाली बेल्ट भी बनाना बताऊंगी। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से सबसे बेस्ट बेल्ट आपको कौन सी लगी। तो हमारा पेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मेरी ये बेल्ट ड्राई भी हो चुकी है। इसमें मैं रेड कलर का बो का यूज़ कर रही हूँ। इस बो का मैं अलग अलग जगह यूज़ करती हूँ। इसको मैं अपने ब्लाउज़ में भी स्टाइल करती हूँ। मेरे एक ब्लाउज़ का बो है जिसको मैं बैक साइड में यूज़ करती हूँ। आज मैं इसको बेल्ट में यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको फिक्स नहीं कर रही हूँ, जिससे कि मैं इसको निकाल के अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकूँ। तो देखिए, हमारी बेल्ट रेडी हो चुकी है। इसके अलावा मैं इसमें फ़्लावर्स का भी यूज़ करूँगी अलग अलग कलर के, इसलिए मैं किसी भी फ्लावर को इसमें फ़िक्स नहीं कर रही हूँ। मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें फ़्लावर चेंज करती रहूँगी। इसके फ्रंट में ही मैं फ़्लावर्स का या बो का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि हम स्कूल की बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं। मैं आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह के फ़्लावर या फिर किसी भी तरह के स्टोन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अगेन, सेकेंड बेल्ट को बनाने के लिए भी यहाँ पर मैं बच्चों की पुरानी बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये एक कपड़े की बेल्ट है तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप किसी भी टाइप के हुक को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस पहले स्कूल की बेल्ट में से जो ये हुक निकला था, या फिर मेरे पास ये एक ब्लैक कलर का हुक है, मैं इसमें इसका यूज़ कर रही हूँ। इस डबल साइड हुक को भी हम इस बेल्ट में सुई की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से इसको सिल लेंगे जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। दोनों साइड्स को इस बेल्ट में मैं अच्छे से फिक्स कर लूँगी। फिक्स करने के बाद इस बेल्ट को मैं बीच से कट कर दूँगी, जिससे कि बैक साइड से हम इसको बेल्ट को पहनने के लिए यूज़ में लाएंगे। बेल्ट को कट करने के बाद मैं इसके साइड के एजेस को सिक्योर करने के लिए माचिस का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इसके थ्रेड इधर उधर से ना निकले। तो देखिए, हमारी ये बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। इस बेल्ट के लिए भी मैं सेम उन्हीं फ्लावर्स का यूज़ करूँगी। इसको भी मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इन फ्लावर्स को इसमें से भी चेंज करती रहूँगी। तो एक बार मैं इसमें आपको सारे फ्लावर्स लगा के दिखा देती हूँ। इस बेल्ट में मैं ये सारे फ्लावर्स यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए इस बेल्ट में भी मैं किसी भी फ्लावर को फिक्स नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी एक फ्लावर को फिक्स भी कर सकते हैं। इन सभी बेल्ट को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल और इजी ट्रिक का यूज़ किया है। इनको आप आराम से इजीली घर में अपने बना सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सारी बेल्ट्स के फाइनल लुक को देखने के लिए मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लास्ट में इस बेल्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। सुई की हेल्प से इस इलास्टिक को मैं इसमें फ़िक्स कर दूँगी। इलास्टिक को बिल्कुल अच्छे से फ़िक्स करिएगा। बेल्ट के एक साइड में मैं इलास्टिक को फ़िक्स करूँगी और दूसरे साइड में मैं एक ब्लैक कलर के बटन को दूसरे साइड में फ़िक्स करूँगी। इस बटन को भी हम यहाँ पर सुई की हेल्प से अच्छे से फ़िक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस बटन को ग्लू गन की हेल्प से चिपका भी सकते हैं। तो देखिए, हमारी ये बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। देखिए इस बेल्ट का फाइनल लुक। थर्ड नंबर की बेल्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक चौड़ी सी लेस का यूज़ कर रही हूँ। इसके साइड के किनारों को मैं सुई की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद ये बेल्ट भी हमारी बिल्कुल रेडी है। बेल्ट को बांधने के लिए लास्ट में यहाँ पर आप डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर वेलक्रो का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हुक का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हुक्स का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे किसी पुराने कपड़े से निकल गए थे तो इसी को मैं यहाँ पर फिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पर तीन टाइप के लूप्स बने हुए हैं, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ। बेल्ट के दूसरे साइड में मैं ये तीनों हुक को भी फिक्स कर दूँगी। उसके बाद हमारी ये बेल्ट भी रेडी हो जाएगी। ये इस बेल्ट को हम एथनिक ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे लहंगा या फिर साड़ी, किसी भी ड्रेस के साथ हम इस बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सेम इसी में एक रेड कलर की बेल्ट भी बनाई है।